उधर आजमगढ़ के अहरोरा थाना क्षेत्र के माहुल गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 41 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोगों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। गाँव में महिलाएं अस्पतालों से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक लोगों का हाल बेहाल है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल कितने बेहाल हैं, क्योंकि जहरीली शराब ने 5 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। 41 लोग ऐसे हैं जिनको हायर सेंटर भेजा गया है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि अभी मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि जहरीली शराब ने क्या कोहराम मचाया है। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। 41 लोग हैं जिनकी हालत खराब है, जिनको अस्पताल में भेजा गया है, हायर सेंटर में उनको भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है, क्योंकि लोग जो हैं इस घटना के बाद अब गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। और आजमगढ़ से हमारे सहयोगी खुर्रम नुमानी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, सबसे पहले आप ताजा अपडेट बताइए, जो 41 लोग भर्ती हुए हैं हायर सेंटर में, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? रांची जी, 41 लोगों को हायर सेंटर लाया गया है, उसमें 21 लोग जिला अस्पताल लाए गए हैं और अन्य खुद अस्पताल में आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत मौजूद है और उन्होंने हमें साफ तरीके से ये बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी निजी अस्पताल है, जहाँ डायलिसिस सेंटर है, सभी को हमने एक तरीके से अलर्ट मोड पर रखा है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनका तो इलाज करेंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम इन मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करेंगे। वही दूसरी चीज, हम अगर जो वहाँ की बात करें तो 5 लोगों की मौत की बात जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कही है, लेकिन मौके पर लोगों का ये कहना है कि एक दर्जन से ज्यादा मौतें की बात सामने आ रही है। जी प्राची, बिल्कुल 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई हैं, ऐसा आप बता रहे हैं खुर्रम। गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, कार्रवाई अभी तक इसमें क्या हुई है, क्या कदम उठाया है प्रशासन? जी, ये मौतों की बात जो हम इसको स्पष्ट करते हैं कि ये गांव के हवाले से है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक तौर पर भी 5 की ही पुष्टि की गई है। गिरफ्तारी पर एसपी जब हमारी अनुरागार से बात हुई तो अनुरागार ने कहा कि हमने 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया हुआ है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करेंगे। पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग इस जहरीली शराब से इफेक्टेड हुए हैं उनका पहले उपचार कराया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, क्योंकि होता आमतौर से ऐसा देखा गया है कि लोग डर के मारे बाहर नहीं आते। शराब पुलिस प्रशासन कर रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी है चूंकि जहरीली शराब ने इस गाँव में कहर बरपाया है। शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दावों के बीच भी जहरीली शराब मौत बांट रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना